Hey guys and welcome back to my channel. Today I'm back with a video where I'm gonna be sharing how to do a perfect breakfast at home itself, guys. जो सूजी से बना है and video बहुत ही ज़्यादा interesting होने वाला है guys, क्योंकि जो मैंने बनाया आज बहुत ही ज़्यादा yummy होने वाला है and delicious बहुत ही ज़्यादा होने वाला है guys. तो video को end तक ज़रूर देखना guys and if you're new to my channel please do subscribe my channel and click the bell icon so that you'll always get the notification of my latest updates guys. Don't forget to like, share, comment guys. चलिए let's get into the video. चलिए गाइस, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग सूजी से नाश्ता बनाएंगे. तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें 1 कप पूरा सूजी लिया है एंड सेम क्वांटिटी 1 बाउल ही मैंने कर्ड भी लिया है गाइस. एंड टेस्ट के अनुसार सॉल्ट लिया है. इसको अच्छी तरह से आप लोग मिक्स कर दीजिए. दोनों का क्वांटिटी एक ही जैसा होना चाहिए गाइस. परफेक्टली मिक्स कर दीजिए. ये देखिए गाइस, परफेक्टली मिक्स हो गया. अभी इसको आप लोग 10 टू 15 मिनट्स के लिए एक साइड में रख दीजिए. अब ये देखिए गाइस, आफ्टर 10 टू 15 मिनट्स के बाद परफेक्टली बन गया. लोग एक बार दिखा देती हूँ, ये देखिए पूरा सक कर दिया है. अभी हम लोग इसी टाइम पर इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी हम लोग ऐड करेंगे गाइस, कि और फूलेगा इससे. तो आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसे आप लोगों को ऐड करना है. ये देखिए गाइस, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग सोडा एंड इसमें आप लोगों को वाटर ऐड करना है गाइस. थोड़ा सा वाटर ऐड करके आप लोगों को इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए. ये देखिए गाइस, परफेक्टली डिजॉल्व हो गया. अभी हम लोग इसके अंदर हम लोग इसको मिक्स कर देंगे. अभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आप लोगों को इसको मिक्स करना है गाइस. ये देखिए, मैंने पहले थोड़ा सा लिया था एंड इसको ऐड करके आप लोगों को मिक्स करना है. एक साथ आप लोगों को पानी नहीं ऐड करने गाइस, थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को पानी ऐड करना है. मैं फिर से थोड़ा सा और पानी ऐड कर रही हूँ और फिर से आप लोगों को मिक्स करना है. ये देखिए गाइस, परफेक्टली बन गया. इसका थिकनेस देखिए, ना ज़्यादा लिक्विडी है ना ज़्यादा थिक है, मीडियम है. आपको इसी कंसिस्टेंसी में लेकर आना है गाइस. ये देखिए गाइस, पैन भी अच्छी तरह से गर्म हो गया. अभी आप लोगों को थोड़ा सा ऑयल इसमें स्प्रेड करना है. ऐसे आप लोगों को स्प्रेड करना है गाइस. ये देखिए गाइस, परफेक्टली स्प्रेड हो गया. अभी हमने जो बैटर लिया था ना, ये देखिए परफेक्टली हो गया. अभी हम लोग स्पून की मदद से आप लोगों को ऐसे डालना है. ऐसा नहीं कि इसमें यू नो शेप आएगा सब कुछ. आप कैसे भी आप डालकर आप बना सकते हो गाइस. ये स्पून की मदद से आप लोगों को ऐसे ही डालना है.
देखिए मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है। अभी 1 मिनट आप लोगों को एक तरफ से आप लोगों को कुक करना है एंड दूसरी तरफ से आप लोगों को बाद में कुक करना है। सिम में रखकर ही आप लोगों को करना है गाइस, नहीं तो जल जाएगा। अब ये देखिए गाइस, आप लोगों को वन साइड आप लोगों को कुक करने के बाद दूसरी साइड भी आप लोगों को कुक करना है। ऑलमोस्ट 1 मिनट हो गया गाइस, दूसरी साइड भी आप लोगों को कुक करना है। ये देखिए गाइस, दोनों साइड भी परफेक्टली कुक हो गया। अभी आप लोगों को इसको निकाल दीजिए। फिर से आप लोगों को सेम प्रोसेस ही डालना है गाइस, ऐसे स्प्रेड कर दीजिए एंड फिर से सेम प्रोसेस आप लोगों को करना है। ये देखिए गाइस, मैंने सब कुछ कर दिया है। अभी फिर से 1 मिनट के बाद आप लोगों को दूसरी साइड भी आप लोगों को कुक करना है। अब ये देखिए गाइस, परफेक्टली बन गया, तो मैं इसको निकाल रही हूँ। ये देखिए गाइस, ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ बना दिया है। आप लोगों को भी सेम प्रोसेस ही आप लोगों को सब कुछ करना है। देखिए गाइस, परफेक्टली बन गया। अभी हम लोग इसका मसाला प्रिपेयर करेंगे। तो ये देखिए, मैंने ऑलरेडी पैन को गरम कर दिया है। अभी मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ऑलमोस्ट 6 स्पून मैंने ऐड किया गाइस ऑयल को। इसको अच्छी तरह से एक बार गरम होने के लिए रख दीजिए। अभी गाइस तेल गरम हो गया, अभी हम लोग ऑनियन ऐड करेंगे गाइस। गाइस ये 3 ऑनियंस मैंने लिए है, अच्छे से चॉप किया हुआ है। अभी इसी टाइम पर हम लोग 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करेंगे गाइस। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दीजिए। थोड़ी देर के लिए इसको भूंजेंगे आप लोग। ये देखिए गाइस, परफेक्टली भूंज गया है हमारा मसाला। अभी हम लोग इसमें चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 टेबलस्पून पूरा चिल्ली ऐड कर रही हूँ एंड 1 टेबलस्पून चाट मसाला एंड थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है गाइस, आपके पास है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। आप लोगों को अगर टोमेटो का प्यूरी डालना है तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए नहीं ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से आप लोग मिक्स कर दीजिए। ये देखिए गाइस, परफेक्टली मिक्स हो गया। अभी हमने जो बना कर रख दिया था ना, उसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे गाइस। अभी आप लोगों को मिक्स करना है गाइस, इसको अच्छे से कोटिंग लाना है इसलिए। ये देखिए गाइस, परफेक्टली मिक्स हो गया। अभी हम लोग इसी टाइम पर कोरिएंडर लीव्स भी आप लोगों को ऐड करने ऊपर से एंड इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। देखिए गाइस, परफेक्टली मिक्स हो गया, ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अभी आप लोगों को बस 1 या 2 मिनट के लिए ऐसे ढककर इसको एक बार कुक कर दीजिए। देखिए गाइस, परफेक्टली 1 to 2 मिनट्स तक कुक करने के बाद परफेक्ट हो गया। अभी हम लोग सर्विंग प्लेट में हम लोग इसको सर्व कर देंगे। ये देखिए गाइस, परफेक्ट नाश्ता बन गया है जो सूजी से बने एंड जल्दी से हो जाते हैं एंड चटपटा रहता है गाइस। ज़रूर ट्राई करना है एंड मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताने कि आप लोगों को कैसा लगा गाइस।
एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो भी कर दीजिए, बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलता ही जाएगा। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भूलिए गाइस। सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, स्टिल दैट, बाय बाय।